नमस्कार, हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टीम यूपीएससी एग्जामिनर की तपस्वी आयस में मैं पराग सोलिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है बैसाखी फेस्टिवल। आगे बढ़ते यहां पर मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा हमारे कोर्स के बारे में। जी हां दोस्तों, 13th में से हमारा ये वीडियो लेक्चर कोर्स है वो लॉन्च हो रहा है। तो 13th में से पहले अगर आप इसमें रजिस्टर करवाते हैं तो आपको प्री लॉन्चिंग अनएक्सपेक्टेड डिस्काउंट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ऊपर दिखाए गए 8 सब्जेक्ट के ऊपर आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स जो है वो मिलने वाले हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि भाई नीचे दी गई मेल एड्रेस पर जाकर आपको अपनी डिटेल्स जो है वो हमें सेंड करें। डिटेल्स में आप अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस हमें सेंड करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सीधे चलते हम हमारे आज का टॉपिक के ऊपर जो है बैसाखी स्पेशल। बैसाखी और वैसाखी का त्यौहार जो है वो सिख के नए साल और खालसा पंथ की स्थापना के रूप में मनाया जाता है। बैसाखी का त्यौहार जो साल में 13 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन हर 36 साल में एक बार यह त्यौहार जो है वो 14 अप्रैल को भी मनाया जाता है। और इस साल यह त्यौहार जो था वो 14 अप्रैल को मनाया गया था। ये त्यौहार सिख कम्युनिटी के लिए काफ़ी शुभ, काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे वैसाखी खालसा सिराजी दिवस या फिर बर्थ ऑफ खालसा भी कहा जाता है। सिख कैलेंडर का नाम है नानक शाही कैलेंडर और बैसाखी सिख कैलेंडर का दूसरा महीना है। यह सिख समुदाय के लिए फसल का एक नया साल का प्रतीक है। ये त्योहार मुख्य रूप से जो है वो धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है, जैसे कि हम थैंक्स गिविंग डे मनाते हैं। यह सिख समुदाय के लिए काफी इंपॉर्टेंट डे है। जब किसान फसल के लिए अपने देवताओं को श्रद्धांजलि देते हैं और भविष्य में समृद्धि की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। सिख समुदाय बैसाखी पर आवत पौनी नामक एक परंपरा का पालन करते हैं। लोग सर्दियों में उगने वाली जो फसल है, गेहूं की फसल है, उनको काटते और इकट्ठा करते हैं। साथ ही साथ इस दिन ढोल बजाए जाते हैं और लोग पंजाबी दोहा सुनते हैं, जबकि वैसाखी के दिन पर कटाई करते हैं। बैसाखी खालसा के जन्म का एक प्रतीक है और सभी आरंभिक सिखों के एक सामूहिक संस्था है, जिसे गुरु पंथ या फिर गुरु का अवतार भी कहा जाता है। 30 मार्च 1699 में गुरु गोविंद साहेब ने अपने अनुयायी को आनंदपुर साहिब में अपने घर पे इकट्ठा किया था, जो अभी कई गुरुद्वारियों का घर है। इस सभा में खालसा का उद्घाटन किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे इस बैसाखी त्यौहार के ऊपर। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अंत में सिर्फ इतना ही कि भाई हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूले। थैंक यू। जय हिंद।